हमारे कॉलोफेल में जो तजाद होता है उसका सबसे कम पता किसको होता है? सबसे कम दूर के लोगों को, जो ऐसे ही टीवी पे देखते हैं शाहरुख खान को, जो दूर से देखते हैं किसी को, उनको सबसे कम पता होता है। और घर वालों को, अपने आप को सबसे ज़्यादा एहसास होता है, पता इतना नहीं होता। कहीं अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि गड़बड़ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा डायग्नोसिस नहीं, लेकिन अपने आप से वो बचपन से जो तनकीद हमने सुनी होती है वो भी इकट्ठी हुई होती है। तो जब अंदर से आवाज़ आती है कि तू चंगा बंदा नहीं है, तो वो किस वजह से आती है? जो अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आसन ने बात की, करेक्टर डिफेक्ट से। हम करेक्टर डिफेक्ट्स पे दो दिन पहले भी बात करते रहे। आपको हैरत होगी ये जान के कि आप जिन चीज़ों को करेक्टर डिफेक्ट समझते हैं वो करेक्टर डिफेक्ट्स नहीं है। जिन चीज़ों को आप करेक्टर डिफेक्ट्स, कोई और चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, क्या चोरी करना करेक्टर डिफेक्ट है? नहीं, नहीं, चोरी करना करेक्टर डिफेक्ट नहीं है। करेक्टर डिफेक्ट्स जो है वो तो रंज करने की आदत करेक्टर डिफेक्ट है। बेसब्री क्या है? बेसब्री, मुझे दो दिन पहले एक सीईओ से मुलाकात हुई, कहंदा पहले मैं जड़ी गल कहना सा 3 मिनट सब मानते सन, हूँ डेढ़ डेढ़ घंटा कोई नहीं मानता, मैं रोवाना तो की करा। ये बिल्कुल सीरियसली वो कह रहा था, कहंदा हूँ देखो मैं खानदान इतों तकर पहुँचाता, तो पहले 3 मिनट मैं आके दसते सन कि जो तुम हुक्म दिता हो गया। कहंदा हूँ डेढ़ घंटे पिछों मैं जा के पूछना वो कुछ किया कि नहीं किया, कुछ चाह बनी है कि नहीं, वो याद है? कहते रहो जी ये हालात ने साढ़े 3 दफ़ा क्या चाह भेज दो तो चाह नहीं आई। आपको कभी ये तजर्बा हुआ कि कभी किसी के पास आप गए हों और वहाँ ऐसी सूरत हाल पेश आई हो कि आप बार बार शर्मिंदा हो रहे हो कि यार चाह पूछी है, उन्हें पियाँगा तो जावगा तो चाह आती नहीं पी। कई दफ़ा सताने के लिए भी ऐसा कर देते हैं, सबॉर्डिनेट भी ऐसा करते हैं कि आज बॉस कोल मेहमान आया तो चाह ना ही भेजी जाए टाइम सिर, या इस मौके पर जिस तरह मेहमान घर में आए हो तो बच्चा आके कहते मैं कोक पी लूँ, कोई ना कोई ऐसी गल आके तो वो कर देता है, और माँ फिर कचीचियाँ वट के ते ऐसा है ना। तो ये जो